गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम हमारा हिंदी का पार्ट 6 पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है शूरवीर, और इसके कवि हैं बेटा रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट प्रवेश पढ़ेंगे और देखेंगे कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, वीर पुरुष विषम से विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते और अपने लक्ष्य को प्राप्ति के में सफल होते हैं। यानी जो बहादुर लोग हैं, जो निडर लोग हैं, वो उनके सामने कितनी ही बाधाएं, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने टारगेट तक, अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। विघ्नों से टक्कर लेकर इनके इरादे और अधिक दृढ़ हो जाते हैं, और वीर पुरुषों के अगर रास्ते में रुकावट आती है तो वो उनके लिए चैलेंज के समान होते हैं, और उनके जो इरादे हैं वो उन चैलेंज को स्वीकार करते हैं। यानी बाधाओं का सामना करते हुए और ज़्यादा उनका इरादा मजबूत हो जाता है। परंतु कायर व्यक्ति विपत्ति देखकर ही डर जाते हैं, और इसके विपरीत क्या होता है बेटा, जो कायर लोग होते हैं, जो नीडर नहीं होते, डरपोक होते हैं, उन वो विपत्तियों को देखकर यानी बाधाओं को देखकर ही डर जाते हैं और असफल होते हैं, मतलब सक्सेस नहीं होते लाइफ में। विपत्ति के समय ही मानव के सच्चे साहस की परीक्षा होती है। यानी मुसीबत के समय ही इंसान के नीडर और डरपोक होने का ही पता चलता है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। यानी सच्ची बात है कि जब मुसीबत आती है तो उसमें कायर लोग ही डर जाते हैं, दहलाती मतलब डर जाते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा का मतलब होता है जो बहादुर लोग होते हैं वो विपत्ति आने पर डिस्टर्ब नहीं होते, विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और एक पल के लिए भी अपना पेशेंस, अपना धैर्य नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, और वो मुसीबतों को अपने गले लगाते हैं, मतलब मुसीबतों का धैर्य से सामना करते हैं। चैलेंज जो मुसीबतों उनके सामने चैलेंज करती है, उनको स्वीकार करके उनका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, यानी कांटों में अपना रास्ता बना लेते हैं, अर्थात समस्याओं को ठीक प्रकार से हल कर लेते हैं। आगे देखिए बेटा, हर कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई हल ना हो। टिक सके आदमी के मग में, यानी जो आदमी के मग मतलब बेटा रास्ता, आदमी के रास्ते में रुकावट पैदा कर ले ऐसी कोई भी समस्या नहीं है दुनिया में। खम ठोक ठहलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक लेता मतलब जब कोई भी अपना प्रण करता है इंसान, डिसाइड कर लेता है, ठान लेता है, यानी कोई भी चैलेंज को, ललकार को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो पर्वत के जाते पांव उखड़। पर्वत के पांव उखड़ जाने का मतलब है कि कितनी ही बड़ी से बड़ी पर्वत जितनी महान समस्याओं का भी हल निकाल लेता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और मनुष्य जब बहुत ज़्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो वो पत्थर पानी बन जाता है और पत्थर को भी पिघला देता है। पत्थर को पिघलाना बहुत मुश्किल होता है ना, इसी तरह मनुष्य है जो अगर अपना मंजिल तक पहुंचने का उसका लक्ष्य है तो वह कुछ भी कर सकता है, यानी असंभव को भी संभव बना देता है। जैसे पत्थर पिघल कर पानी का रूप ले लेते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। यानी इंसान के अंदर, सभी के अंदर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए होते हैं। यानी सभी के अंदर टैलेंट होता है। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यानी जैसे मेहंदी में लालिमा और दीपक की बाती में प्रकाश होता है, वैसे ही
सभी इंसानों के अंदर गुण होते हैं। जैसे मेहंदी है, सूखी मेहंदी है, तब तक तो उसमें कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसको भिगो कर अगर हम हाथों पे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद उसकी लालिमा दिखाई देती है ना। ऐसे ही दीपक की बाती है, जलाने के बाद ही हमें उसमें रोशनी दिखाई देती है। वैसे ही इंसान के अंदर भी ऐसे ही गुण छिपे होते हैं मेहंदी और बाती की तरह। जो व्यक्ति यह बाती नहीं जलाता उसे कभी प्रकाश नहीं मिलता, और अगर हम जब तक बत्ती को जलाएंगे ही नहीं तब तक रोशनी कैसे होगी, यानी अगर हम किसी काम के लिए कोशिश करेंगे ही नहीं तो सफल कैसे होंगे। आशय यह है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, यानी जो मेहनत नहीं करता उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहते हैं बेटा कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बाधाओं का धैर्य के साथ सामना करते हुए और अपने खुशी खुशी अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। कभी भी बाधाओं को देखकर घबराना या डरना नहीं चाहिए। तो चलिए बेटा अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। विपत्ति मतलब मुसीबत, कायर डरपोक, कायर का मतलब डरपोक डरने वाला, दहलाना डर कर कंपा देना मतलब बहुत ज़्यादा वाला डर जाना, अंदर तक कांप जाना। सूरमा, सूरमा का मतलब होता है बहादुर वीर, विचलित डिगा हुआ, अस्थिर मतलब जो यानी अपने कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्ब हो जाना। धीरज धैर्य, विघ्न बाधा रुकावट, मग मतलब मार्ग रास्ता, प्रखर तेज, वर्तिका पत्ती। चलिए अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं वो करते हैं। विपत्ति में कौन अस्थिर नहीं होता? वीर पुरुष या सूरमा विपत्ति में अस्थिर नहीं होते। वीर पुरुष और सूरमा का एक ही मतलब बेटा बहादुर। विघ्नों को स्वीकार करने से क्या होता है? विघ्नों को स्वीकार करके हम उनका हल खोजते हैं। कांटे से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि ने समस्याओं को कांटे कहा है, मतलब जो मुसीबतें हैं उनको कवि ने कांटे कहा है। अब आगे और क्वेश्चन देखिए बेटा। कलम से, विपत्ति में डर से कौन कांपता है और क्यों? विपत्ति में डर से कायर कांपता है, यानी जो नीडर होता है वो विपत्तियों में घबरा जाता है क्योंकि वह धीरज खो देता है, क्योंकि वह अपना पेशेंस खो देता है, घबरा जाता है। विपत्ति आने पर शूरवीर क्या करते हैं? शूरवीर परेशानियों को धैर्य से अपनाकर उनका सामना करते हुए समाधान ढूंढते हैं, यानी विपत्ति आने पर जो शूरवीर बहादुर लोग हैं वो पेशेंस के साथ उनका सामना करते हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मनुष्य के सामने कब पर्वत भी डावाडोल हो जाते हैं, यानी पर्वत भी झुक जाते हैं इंसान के सामने कब? जब पुरुषार्थी मनुष्य उत्साह से आगे बढ़ता है तब पहाड़ भी हिल जाते हैं, यानी जब मनुष्य ठान लेता है कि मुझे ये काम करना ही करना है तब पहाड़ भी हिल जाता है। पत्थर पानी कब बन जाता है? मनुष्य जब अपनी कार्य क्षमता मतलब अपने काम करने की जो क्षमता है वो दिखाता है, यानी ललकार को भी जब वो चैलेंज को भी स्वीकार करता है तब असंभव काम संभव हो जाते हैं। जैसे पत्थर पिघल कर पानी का रूप ले लेता है, यानी मनुष्य अपने हौसलों से अपने इरादों से पत्थर को भी पानी बना सकता है, यानी असंभव को भी संभव बना देता है। मनुष्य में गुण किस प्रकार से छिपे हैं? मानव में अनेक गुण ठीक उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मेहंदी में लालिमा और दीपक की बाती में प्रकाश। तो ये तो थे बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर। तो बेटा आज हमने कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता शूरवीर पढ़ी समझी और उसकी बुक के क्वेश्चन आंसर भी करें। तो ओके बेटा, थैंक्स बेटा, टेक केयर, बाय बेटा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।